यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का भिवानी से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, केसरी दंगल का एक बार फिर से आगाज किया जाना है और तीसरे साल भी तीसरा मौका होगा जब भारत केसरी दंगल 2018 का हालांकि आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले 2016 और 17 में भी आयोजन किया गया था और राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी इसका शुभारंभ कर चुके हैं। तो शहीद दिवस के मौके पर भिवानी के भीम स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसका शुभारंभ हो गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए इसी खबर पर अपडेट लेंगे। सुमित कुमार हमारे संवाददाता भिवानी से फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुमित, केसरी दंगल जो आयोजित किया जाना था उसका शुभारंभ हो चुका है, फिलहाल क्या अपडेट है? बिल्कुल, राज्यपाल जो है अपना संबोधन दे रहे हैं। राज्यपाल ने साफ तौर पर कहा है कि खेलों से ना केवल हरियाणा भारत बल्कि पूरे विश्व को एक किया जा सकता है। खेलों में वो ताकत है, भाईचारा आता है। इसके अलावा उन्होंने अपनी सरकार यानी प्रदेश की सूबे की बीजेपी सरकार की भी बात कही। उन्होंने खुद कहा कि उनकी सरकार का मतलब जो है कि राज्यपाल की सरकार है, क्योंकि राज्यपाल ही मुखिया होता है तो उनकी सरकार है और इस सरकार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। साफ तौर पर एक बात और भी उनके द्वारा कही गई है कि आने वाले दिनों में बॉक्सिंग के क्षेत्र में भी इस तरह के जो आयोजन किए जाएंगे। सुमित, तस्वीरों में हम राज्यपाल के साथ साथ खेल मंत्री को भी देख पा रहे हैं, क्या कैबिनेट से कोई और चेहरा भी इस दौरान उपस्थित रहा या स्थानीय बीजेपी के विधायक इस मौके पर मौजूद रहे? यदि स्थानीय स्तर पर अगर बात की जाए, ना केवल विधायक बल्कि जो है अधिकारी बहुत आयत में मौजूद है, इसके अलावा स्थानीय बीजेपी नेता मौजूद है। अभी तक अगर कैबिनेट की बात की जाए, अनिल विज जो की सूबे के स्वास्थ्य मंत्री है वो पहुंचे हैं और उनके द्वारा विधिवत शुभारंभ करवाया गया था इस पूरे दंगल का। उसके बाद से कार्यक्रम आप आवाज के साफ तौर पर सुन सकते हैं किस तरह से अभी दंगल का आगाज हो चुका है। 10 मिनट बाद जो है दंगल शुरू किया जाएगा, दंगल की कुश्ती जो है शुरू की जाएगी। जी सुमित, कितनी टीमें रहेंगी जो इस दंगल में हिस्सा लेंगे इस बार? देखिए, अगर टीमों की बात की जाए, 8 टीमें पूरे देश भर की इसमें, चाहे रेलवे की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए या फिर हरियाणा की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, तमाम 8 टीमें इस दंगल में शिरकत कर रही हैं। प्रत्येक टीम में 8-8 खिलाड़ी हैं और जिस तरह से अगर बात की जाए 107 के करीब मैच जो है वो खेले जाएंगे। जी, खिलाड़ियों में किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं सुमित इस आयोजन को लेकर? खिलाड़ियों की चाहे बात की जाए, चाहे दर्शकों की बात की जाए, तमाम लोग काफी उत्साहित हैं पूरे मामले को लेकर, क्योंकि इस तरह का दंगल संभवतः है, अगर भिवानी के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, पहला इस तरह का दंगल है, पहला इस तरह का इवेंट है और जिस तरह से तैयारियों की बात की गई थी, करीबन 1 माह पहले से ही तैयारियां शुरू की गई थी और अब फिलहाल की अगर बात की जाए, लोग अच्छे खासे उत्साहित देखे जा सकते हैं। जी, तो पूरे ही भारत से खिलाड़ी पहुंचने हैं सुमित, पहुंचने शुरू भी हो चुके होंगे, खेल की शुरुआत हो जानी है, पहला मुकाबला होगा, उसको लेकर सुरक्षा को लेकर व्यवस्था और बाकी तैयारियां किस तरह की गई है इस दंगल में? चलिए, संपर्क टूटा है। तो बहुत बड़ा आयोजन ही अपने आप में है और बीजेपी जब से सरकार में आई है तीसरा ये मौका है जब इस दंगल का आयोजन करवाया गया है और 1 करोड़ की राशि इनाम के तौर पर रखी गई है। 8 टीमें होंगी पूरे ही देश में से जो हिस्सा लेंगी और पहले दिन की अगर बात कर ली जाए, हरियाणा और महाराष्ट्र का मुकाबला होना है। भिवानी जिसे खेलों का गढ़ भी जिसे माना जाता है, हरियाणा में खास तौर पर मिनी क्यूबा के नाम से जिसे जाना और पहचाना जाता है पूरी ही दुनिया में, उसी भिवानी में इस दंगल का आयोजन किया गया है। राज्यपाल ने इसकी शुरुआत कर दी है, खेल मंत्री अनिल विज भी पहुंचे हैं और भारी संख्या में खिलाड़ी पहुंचे हैं इस आयोजन में, इस दंगल में। तो 3 दिनों तक ये दंगल चलने वाला है जिसमें पूरे ही देश की 8 टीमें हिस्सा लेंगी।